Jasmer ji, hamare beech mein, I would like to ask you a question. She's from IDH, a sustainably promoting company who makes tie-ups. And Jasmer ji, please tell us, Hindi mein bataye taki kisan bhi bata chale ki jab bhi agrarian crisis hota hai, to uska unemployment se ya employment se koi relation banta hai? आपने काफी सर्वेस वगैरह किया अभी तो आपका कॉटन में भी इंटरेस्ट है, प्लीज स्टैंड अप एंड शेयर योर व्यू। एक्चुअली हमने अभी इनफैक्ट हम अपने सर्वे के बीच में हैं, तो भी हमने अभी अभी स्टार्ट इनफैक्ट स्टडी करना शुरू ही करा है, बट वी डू हमें समझ इतनी तो समझ आ रही है कि एक्चुअली जब अग्रेरियन क्राइसिस होता है इट इज उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आउट माइग्रेशन पर। तो फर्स्टली ये इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो फार्मर्स हैं जिनको पहले ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन अगर वेदर के इम्पैक्ट से, वाटर के इम्पैक्ट से या मार्केट प्राइसेस पे डिप्रेशन होने के इम्पैक्ट से अगर वो उनको छोड़ना पड़ता है, फार्मिंग छोड़ना पड़ता है, इसके काफ़ी मतलब मेजर इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और फिर आगे चल के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि वॉट हैपन्स इज फर्स्टली जो फैमिली रह जाती है जिनको फार्म्स छोड़ दिए, उनको फार्म्स की देखभाल करनी पड़ती है, बट एक्चुअली उनके पास इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग नहीं रहती। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि आउट माइग्रेशन के वजह से जिनको पता है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए फार्म पे, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते या वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उस एग्रेरियन क्राइसिस के वजह से जो क्वालिफाइड फार्मर्स हैं उनको फार्म छोड़कर यू नो दे हैव टू लीव इट टू फैमिलीज या फैमिली मेम्बर्स जिनको एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है कि एक्चुअली फार्मिंग प्रैक्टिसेस का नॉलेज ट्रांसफर आगे नहीं हो पाता। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। तो वही है कि एग्रेरियन क्राइसिस अगर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अगर इफ यू हैव टू कीप यंग पीपल जो यंगर फार्मर्स हैं हमारे, अगर हमें उनको ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक या उनको ज़्यादा जोश देना चाहिए फार्मिंग में, तो वी हैव टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी, वी हैव टू ब्रिंग वेदर इन्फॉर्मेशन, वी हैव टू ब्रिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, प्राइसेस, हाउ टू ट्रेड, वी हैव टू ब्रिंग सर्विसेज, एंड दिस इज द वे यू हैव टू मेक फार्मिंग अट्रैक्टिव। कि फार्मिंग जो है मतलब वो चॉइस होनी चाहिए, फार्मिंग तभी करो अगर तुम मजबूरी नहीं होनी चाहिए। थैंक्स जसमेर।